हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन रिसर्च सेंटर भिलाई में। दोस्तों, अगर आप भी रैपिडो कैप्टन ऐप चलाते हो और आपकी आपकी जो रैपिडो आईडी है वो सस्पेंड हो गई है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको रैपिडो कस्टमर केयर में कॉल करना है और उन्हें बताना है कि आपकी कोई गलती नहीं है और जो आपका जो आईडी सस्पेंड हुआ है वो बिल्कुल गलत किया है रैपिडो ने आपके साथ। इसके बाद हो सकता है कि आपकी रैपिडो आईडी चालू हो जाए। अगर इसके बाद भी आपकी रैपिडो आईडी चालू नहीं होती है तो फिर आपको आपके जो एरिया है वहाँ का जो रैपिडो का जो टीम लीडर है उसे फ़ोन करके बताना है कि आपकी कोई गलती नहीं है, रैपिडो ने आपके साथ गलत किया है। ठीक है दोस्तों, और अगर उसके बाद भी रैपिडो का जो टीम लीडर है वो अगर आपकी मदद नहीं कर पाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद आपके पास बस रास्ता बस एक ही है दोस्तों, कि आपका कोई अगर दोस्त है जिसके पास रैपिडो आईडी है और अगर वो वर्तमान में कोई दूसरी जगह जॉब कर रहा है और उसकी रैपिडो आईडी अगर अभी खाली है, ठीक है, वो अगर अपनी रैपिडो आईडी का यूज़ नहीं कर रहा है तो उससे आपको रैपिडो आईडी ले लेनी है और उस पर काम करना है, क्योंकि आप घर तो बैठे नहीं रहोगे, काम तो आप करोगे ही, तो आप अपने दोस्त की रैपिडो आईडी भी चला सकते हो या फिर अपने भाई की रैपिडो आईडी, आप अपने भाई के नाम से एक एक्स्ट्रा रैपिडो आईडी बना के रख सकते हो और उसे इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बस आपके पास यही एक रास्ता है, क्योंकि रैपिडो आईडी अगर सस्पेंड हो गई और कस्टमर केयर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाता है, आपके एरिया का टीम लीडर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाता है, तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। आपकी रैपिडो आईडी जितने दिन के लिए रैपिडो ने सस्पेंड किया है उतने दिन के लिए सस्पेंड रहेगी। अब आपके पास रास्ता बस वही है कि आपके पास आपके किसी दोस्त के पास रैपिडो आईडी है और अगर वो यूज़ नहीं कर रहा है तो उससे आपको रैपिडो आईडी ले लेनी है और उसे चलाना है, या फिर अपने भाई बंधु किसी के नाम से रैपिडो आईडी बनवा लेना है और इमरजेंसी में उसे यूज़ करना है। आप दूसरे की रैपिडो आईडी भी आसानी से यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।